शमा और आखिरी चट्टान जैसे पीटीवी ड्रामों से शोहरत पाने वाले संजीदा मगर बावकार आर्टिस्ट अनवर इकबाल बलोच बिलाखिर कैंसर के बायस चार बेटियों को सोगवार छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। उन्हें अदालत के दिनों में अपने अस्पताल में ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर शदीद सदमा हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी की हालत में तस्वीर अपने परिवारों तक पहुंचे, जो कि सारी जिंदगी उन्हें एक अच्छे रूप में देखते रहे। उर्दू और सिंधी जुबानों के कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा करने वाले सीनियर अदाकार अनवर इकबाल बलोच 1 जुलाई के रोज अदालत के बायस कराची में इंतकाल कर गए। उनके अहल खाना के मुताबिक वो कुछ अरसे से अदालत के बायस कराची के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। अहल खाना के मुताबिक उन्हें दिल के आरजे के अलावा कैंसर का मर्ज भी लाहक था, जो उनकी मौत का बायस बना। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह जून के अवाखिर में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अनवर इकबाल की एक तस्वीर गर्दिश कर रही है, जिसमें उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर देखा जा सकता है। ये सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया था कि अदाकार अनवर इकबाल शदीद अलील हैं और उनके अहल खाना ने मद्दाहों से उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। इनके नाम से मंसूब फेसबुक पेज से दौरान इलाज बज़ाहिर उनकी इजाज़त के बगैर ली गई तस्वीर वायरल होने पर अनवर इकबाल बलोच की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया था। उन्होंने बीमारी वाली तस्वीर वायरल होने के बाद एक पैगाम में कहा था कि मैं अपने तमाम मद्दाहों, दोस्तों और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जो मेरी सेहत के हवाले से फिक्रमंद है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मायूस किया है। पोस्ट में कहा गया कि कुछ लोगों ने मेरी इजाजत के बगैर अस्पताल में मेरी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर वायरल की, जिससे मुझ समेत मेरे खानदान की प्राइवेसी मुतासिर हुई। फेसबुक पोस्ट में कहा गया कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिससे मेरी फैमिली और मद्दाहों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अनवर इकबाल ने लिखा था कि मैं कुछ अरसे से काफी ज्यादा बीमार हूं और कराची के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करा रहा हूं। पैगाम में मीडिया से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने, मद्दाहों के जज्बात और प्राइवेसी का ख्याल रखने की दरख्वास्त की गई थी। ख्याल रहे कि सीनियर अदाकार अनवर इकबाल ने उर्दू और सिंधी जुबान के कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। उन्होंने अपनी अदाकारी से ड्रामा इंडस्ट्री में नाम बनाया, जबकि पीटीवी के टॉप क्लास ड्रामों शमा और आखिरी चट्टान से बेपनाह शोहरत हासिल की। उनकी फनी खिदमत के एतराफ में माजी में लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल और फनकारों की जानिब से उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया गया था। अदाकार के खानदानी जराये के मुताबिक अनवर इकबाल बलोच ने सोगवारान में चार बेटियां छोड़ी हैं, जबकि चंद महीने कबल उनकी अहलिया भी इंतकाल कर चुकी हैं। सदर कराची आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने सीनियर अदाकार अनवर इकबाल के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अनवर इकबाल के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए लवाहकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताजियत किया। वजीर आला सिंध ने कहा कि अनवर इकबाल ने अपनी अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े हैं और फन के शोबे के लिए उनकी खिदमत को तादेर याद रखा जाएगा। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।